फुल ऑफ रोडिंग वाले मजे आ रहे हैं भाई, ऑफ रोडिंग ऑन ओला S1 Pro। यहाँ पे उस साइड सॉकेट था तो निकालते हैं चार्जर। पत्थर पे चला चला के हालत खराब हो गई थी भाई, अंदर आते ही ना एकदम स्ट्रॉबेरी की स्मेल आ रही है। Hey, what is up guys? Once again, welcome back to this channel, this amazing video. तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले पंचगनी और महाबलेश्वर के कुछ प्लेसेस। कुछ नोन प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे जगह भी होंगे जो आपने शायद किसी व्लॉग में ना देखा हो। अभी मैं रुका हूँ जोसल के एक प्रॉपर्टी में जो कि पंचगनी में। तो फिलहाल मैं आपको देता हूँ इस प्रॉपर्टी का एक टूर। जिनको नहीं पता, मैंने मुंबई से पंचगनी महाबलेश्वर ओला S1 Pro पे ट्रैवल किया है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है मुंबई टू महाबलेश्वर और ओला S1 Pro तो जाके चेकआउट करो। बहुत ही मेहनत की है भाई ट्रैवल करने के लिए। फ्रॉम मुंबई टू महाबलेश्वर 280 प्लस किलोमीटर्स था जो मैंने ट्रैवल किया। फिलहाल आप एंजॉय करो प्रॉपर्टी का टूर और निकलते हैं आगे एक्सप्लोर करने पंचगनी और महाबलेश्वर के कुछ प्लेसेस। तो भाई ये रही अपनी ओला S1 Pro, चार्ज में लगी हुई थी यहाँ पे। मैंने इसे जस्ट निकाला, यहाँ पे उस साइड सॉकेट था तो निकालते हैं चार्जर और फिर चलते हैं घूमने। एक बार मैं आपको बैटरी साइड दिखा देता हूँ। तो 87% हमने चार्ज कर ली अपनी बैटरी। इको मोड में 149, नॉर्मल में 119, स्पोर्ट्स में 104 और हाइपर में 83। ये प्रॉपर्टी का रिसेप्शन और अभी स्टार्ट करते हैं अपनी राइड यहाँ से और एक्सप्लोर करते हैं पंचगनी और महाबलेश्वर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये जो प्रॉपर्टी है जोसल का, यहाँ पर चार्जिंग की फैसिलिटी भी है। यहाँ पर देख रहे हो ईवी कार्स आप चार्ज कर सकते हो। और अभी हम चलेंगे केदारेश्वर। तो मैप डाल देते हैं पहले। लोकेशन मैंने डाल दिया है, 2.06 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। वो हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा और उसके बाद कुछ व्यू पॉइंट्स भी कवर करेंगे और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ भी देखेंगे जो मैंने महाबलेश्वर में पहले नहीं देखी थी। महाबलेश्वर में 2019 में भी आया था लेकिन सारे स्पॉट्स नहीं कवर कर पाए थे, इसलिए जो नहीं कर पाए थे वो हम आज कर लेंगे। शाम को मैं आपको दिखाऊंगा ना एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट, अगर यहाँ पे अगर क्लाउड्स आज नहीं हुए तो, पैनोरमा पॉइंट करके वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट, बहुत ही प्यारा सा है। तो फिलहाल तो चलते हैं केदारेश्वर टेम्पल और मैप्रो गार्डन भी जाएंगे। पंचगनी आए और मैप्रो गार्डन ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। जो रोड्स हैं ना भाई बहुत ही मज़ेदार है, दोनों तरफ ग्रीनरी, एक साइड वैली। और ये जो माथेरान और पंचगनी महाबलेश्वर का हिल स्टेशन है ना ब्रिटिशर्स के टाइम से, इसीलिए जो यहाँ के पॉइंट्स के नाम है वो सिडनी पॉइंट है और कुछ और भी पॉइंट्स है जो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स के नाम पे रखे गए। ये रहा केदारेश्वर टेम्पल, ये है केदारेश्वर टेम्पल का गेट। स्कूटर लगाते हैं साइड में और जाके देखते हैं अंदर। वाह, ये है केदारेश्वर टेम्पल, इट्स ब्यूटीफुल। चलो अब जाते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। सो अब केदारेश्वर टेम्पल से निकल के हम जाने वाले हैं पारसी पॉइंट। केदारेश्वर टेम्पल जो है यहाँ का पंचगनी का, ये है दांडेगढ़ में। जोस्टल प्लस जो है वहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे है, हार्डली 200-300 मीटर्स होगा। पारसी पॉइंट जो है वो व्यू पॉइंट है और महाबलेश्वर पंचगनी एक हिल स्टेशन। तो पारसी पॉइंट से हमें दिखेगा मस्त वैली का व्यू। सो अभी चलते हैं पारसी पॉइंट और इन्जॉय करते हैं वहाँ से वैली का व्यू। और अगर मौका मिला तो वहाँ से हम ड्रोन भी उड़ा लेंगे मस्त सा। कल मैं ऐसे ही देख रहा था तो ओवरऑल डिस्टेंस था ना मुंबई से लेके महाबलेश्वर पंचगनी का ये अराउंड 280 किलोमीटर प्लस था भाई। हमने छोटा मोटा काम नहीं किया है, काफ़ी बड़ी राइड लगा ली है ओला S1 Pro से। और अभी हम अपने डेस्टिनेशन पारसी पॉइंट से अराउंड 1.9 किलोमीटर्स दूर है। तो भाई कभी भी आप अगर कोई भी हिल स्टेशन पे राइड कर रहे हो और अगर रोड पतला हो तो बहुत ही सेफली राइड करें, क्योंकि बसेस
और ट्रक्स भी जो है वो इसी रोड पे आ रहे हैं। तो सोचो इतने पतले रोड पे अगर बस भी आएगी सामने से और टर्निंग है कोई और आप भी आ रहे हो सामने से, तो इट कैन बी लिटिल रिस्की। सो भाई सेफली राइड करो। बस 500 मीटर और दूर है हम पारसी पॉइंट से। एज़ पर द मैप हम पारसी पॉइंट पहुँच चुके हैं और सामने बोर्ड लगा है पारसी पॉइंट का, तो जाके देखते हैं वहाँ पे कि कैसा व्यू आ रहा है यहाँ से। देखो वो रही अपनी ओला सुन प्रो सामने खड़ी, ये रहा पारसी पॉइंट का बोर्ड। यहाँ से देखते हैं और ड्रोन उड़ाते हैं। आई होप आपको पारसी पॉइंट का जो ड्रोन शॉट्स है वो देखने में मज़ा आया। अभी हम जाएंगे भिलार, क्योंकि भिलार में एक विलेज है जिसको कहते हैं विलेज ऑफ बुक्स। अब उस विलेज के अंदर ना बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन है कुछ घरों में, तो हम वहाँ जाके वो देखेंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे मैप्रो गार्डन। नहीं, मैप्रो गार्डन के पहले हम जाएंगे भूतेश्वर टेम्पल और फिर जाएंगे मैप्रो गार्डन। और आज शाम को मैं दिखाऊंगा आपको पैनोरमा पॉइंट से एक मज़ेदार सनसेट। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अभी फ़िलहाल चलते हैं भिलार और वहाँ पे देखते हैं विलेज ऑफ बुक्स। महाबलेश्वर और पंचगिरी में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी फार्म्स भी दिखेंगे और स्ट्रॉबेरी रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स। स्ट्रॉबेरी की आपको वाइन भी मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी के आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। देखो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है किंग बेरी स्ट्रॉबेरी वाइन भिलार, तो आपको स्ट्रॉबेरी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैप्रो गार्डन जो है यहाँ का, उसमें तो भाई स्ट्रॉबेरी की भरमार है, आपको हर एक चीज़ स्ट्रॉबेरी में मिल जाएगी। अगर आपको स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम चाहिए या फिर आपको स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री केक या फिर आपको जो भी चाहिए स्ट्रॉबेरी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्ट्रॉबेरी की जेलीज और बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आप आ रहे हो महाबलेश्वर, तो ज़्यादातर लोग आते हैं जो महाबलेश्वर वो मैप्रो गार्डन घूमते हैं और अच्छी चीज़ है, लेकिन मैप्रो गार्डन के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं महाबलेश्वर में। वैसे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ महाबलेश्वर 2019 में, तब सारे व्यू पॉइंट्स कवर कर लिए थे मैंने और कुछ टेंपल्स भी कवर किए थे और मैप्रो गार्डन भी। बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ इस व्लॉग में अगर हो पाए तो। तो यहाँ पर कोई एक शॉप है कृषि कंचन करके, ये शॉप पर हम पता करते हैं, हमें और डिटेल मिलेंगी कि इस बुक विलेज में कहाँ कहाँ पे बुक्स है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है जहाँ पे मैप प्रोवाइड करते हैं और सारी डिटेल्स बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे विलेज में बुक्स रखी हुई हैं। चलो चलते हैं भाई। sure. या यहाँ से अगर भूतेश्वर जाना तो कैसे जाएं? सीधा चले चलिए, ठीक है, एकदम सीधा, ये रोड छोड़ना मत। हाँ? एक डैम आएगा, ओके, राइट लेना है, ठीक है। तो भाई जो भिलार में विलेज ऑफ बुक्स है उसके एक पर्टिकुलर सेंटर पे हम गए थे जो मेन सेंटर है, जहाँ पे आपको थोड़ी ब्रीफिंग दे देंगे वो। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना विलेज ऑफ बुक्स का, ये हे ऑन वे के कॉन्सेप्ट पे है जो कि एक वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है। वेल्स में ये कल्चर है हे ऑन वे का, उसके अंदर एक पूरा विलेज जो है वो बुक विलेज है। वहाँ पे आप जाके पूरा एकदम नेचर के लैप में बैठ के मस्त कोई भी अपने पसंद की बुक रीड कर सकते हो। इस सेंटर से मुझे एक मैप मिला जिसके अंदर हाउस नंबर्स है और हर एक हाउस में एक पर्टिकुलर टाइप की बुक्स रखी हुई हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो आप एक पर्टिकुलर हाउस में विजिट करके हिस्ट्री रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो। अगर आप ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो जिस सेंटर पे मैंने भी विज़िट किया था वहाँ पे आपको ऑटोबायोग्राफी की बुक्स मिल जाएंगी। ऐसे ही हर घर में आपको अलग अलग बुक्स मिलेंगी, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन घर पर जा सकते हो। और यहाँ पर जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है
उन हाउसेस का, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करके भी जा सकते हो। और जो ग्रीन में है ना, यहाँ पे आपको स्टे का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि चार्जेबल है, तो आप स्टे करके आराम से बुक्स रीड कर सकते हो एंड देन अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। अभी हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट के तरफ जो कि है भूतेश्वर टेम्पल। काफ़ी सुना है मैंने इस टेम्पल के बारे में और इस सेंटर पे मुझे जो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो बहुत ही स्वीट इंसान थे और उन्होंने मुझे बताया कि भाई भूतेश्वर का जो टेम्पल है वो बहुत ही मस्त है, तो आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। तो अभी हम चलेंगे भूतेश्वर टेम्पल। पहले हम डाल लेते हैं लोकेशन, क्योंकि लोकेशन हमें पता नहीं है। मैप के हिसाब से 2.2 किलोमीटर है यहाँ से। हम कर लेते हैं स्टार्ट अपनी जर्नी। और वो जो वहाँ पे मुझे सारे डिटेल्स दे रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए मुझे ईवी स्कूटर पे ट्रैवल करता देख, और मैं मुंबई से आया हूँ ये सुन के तो और भी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि यार ईवी स्कूटर पे मुंबई से महाबलेश्वर आना सच में एक बड़ा सा चैलेंज है। तो अगर आपने मेरा मुंबई टू महाबलेश्वर वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो यार, बहुत मेहनत करी है मैंने उस वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अभी हम चलते हैं यार भूतेश्वर टेम्पल की तरफ। मैं आपको स्ट्रॉबेरी फार्म भी दिखाऊंगा अभी कुछ ही देर में, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। स्ट्रॉबेरी फार्म के अंदर भी जाएंगे हम, ड्रोन शॉट्स भी लेंगे। ये सारी जगह जो आप देख रहे हो ना, जो छोटे छोटे फार्म्स बने हुए हैं, ये सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी फार्म के यहाँ, और अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की फार्म। तो ये है भाई स्ट्रॉबेरी के फार्म्स, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अंदर आते ही ना एकदम स्ट्रॉबेरी की स्मेल आ रही है, वाह। ये देखो भाई ये छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी है, इधर भी वाह। देखो बहुत प्यारे स्ट्रॉबेरीज है यार, ये सारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्ट्रॉबेरी फार्म है। यहाँ भी जहाँ तक देख रहे हो आप सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं। और यहाँ पे जो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज लगे हैं ना, ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं यार ये। ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार। अब मैं उड़ाता हूँ यहाँ से ड्रोन और आपको दिखाता हूँ इन स्ट्रॉबेरी फार्म्स का व्यू ऊपर से। हेलो बाय बाय, हाय फाय, हाय फाय, बाय बाय। एक बॉक्स मैंने स्ट्रॉबेरी ख़रीद लिया, मैं मुंबई नहीं लेके जा सकता उसको क्योंकि दो दिन से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी चलती नहीं है, सूख जाती है, काली पड़ जाती है, तो मैं यहीं पे खा लूँगा आज और कल में। मैंने एक बॉक्स लिया जो कि हाफ के जी का था और मुझे मिला 80 रुपीज़ में। तो अब हम चलेंगे भूतेश्वर टेम्पल के साइड। मैप के हिसाब से आई हैव अराइव्ड बट दिख नहीं रहा है मुझे टेम्पल, सो लेट्स सर्च फॉर इट। ओ भाई जंगल देखो, आगे पूरा घना जंगल है और इसके बीच में से जाएंगे हम। मैप के हिसाब से हम पहुंच गए हैं भूतेश्वर, लेकिन दिख नहीं रहा है हमें कहीं। Yes, this is स्वयंभू भूतेश्वर मंदिर। चले अंदर चले, वाह बहुत ही प्यारा है यार। और एकदम डेंस फॉरेस्ट के अंदर से हम जा रहे हैं भूतेश्वर टेम्पल। तो गाड़ी हमने वहाँ पे अपनी पार्क कर दी है, अब हम जा रहे हैं नीचे टेम्पल के साइड। वहाँ पे टेम्पल, भूतेश्वर टेम्पल। बहुत ही प्यारा है ये भूतेश्वर टेम्पल, कोई भी नहीं है यहाँ पे, पूरा शांत है, बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ
और ये बहुत ही प्यारा सा टेम्पल सामने, और यहाँ की जो सैंड है ना वो लाल मिट्टी है, देख रहे हो, और बहुत सारे फ्लावर्स प्लांटेड है, पाम ट्रीज हैं, और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और उसके बीच में ये बहुत ही प्यारा सा स्वयंभू भूतेश्वर मंदिर। आगे मैंने आपको शिवलिंग के दर्शन करा दिए, अभी यहाँ पे मैं कुछ टाइम बैठता हूँ 5-10 मिनट, और उसके बाद हम चलेंगे आगे टूवर्ड्स मैप्रो गार्डन। तो भूतेश्वर टेम्पल हमने विज़िट कर लिया है, अब बारी अपने नेक्स्ट लोकेशन पे चलने की। ये है मैप, पैनोरमा पॉइंट हम शाम को सनसेट के लिए जाएंगे, लेकिन ऊपर देखो कितने बादल हो रखे हैं, क्या पता सनसेट दिखे ना दिखे। और पारसी पॉइंट हमने कवर कर लिया है, भिलार हमने कवर कर लिया है, भिलार में जो विलेज ऑफ बुक्स था, भूतेश्वर हमने कवर कर लिया है, अब बारी है यहाँ से जाने की मैप्रो गार्डन, और फिर मैप्रो गार्डन होके हम डायरेक्टली पहुँचेंगे वापस अपने हॉस्टल। तो चलो भाई अब चलते हैं मैप्रो गार्डन। भूतेश्वर टेम्पल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मज़ा आया विज़िट करके, एकदम जंगल के बीचों बीच है। ओहो भाई ये तो ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग मिल गई। मैप्रो गार्डन का लोकेशन डाल लिया हमने मैप में, और 3.17 किलोमीटर दिखा रहा है, और भाई ये रोड जो है ना एकदम रोड तो है ही नहीं, बस एक पतला सा रास्ता है, लाल मिट्टी का रास्ता, और दोनों साइड आपको खेती देखने मिल जाएगी। फुल ऑफ रोडिंग वाले मज़े आ रहे हैं भाई, ऑफ रोडिंग ऑन ओला S1 Pro। बाहर कितने अच्छे रोड है पंचगनी महाबलेश्वर में, और ये अंदर जो रोड देख रहे हो कैसे, अब ऐसे ही मैप में पूरा ग्रीन दिखा रहा है, मतलब पूरा जंगल के बीचों बीच से रास्ता है ये। ट्रक के स्पीड पे क्रूज पे डाल दिया है हमने नॉर्मल मोड में 19 के स्पीड में, और अब भाई धीरे धीरे चलते जाएगी क्योंकि एक्सेलरेट करने का मन नहीं कर रहा है। इस रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा है भाई इस रास्ते पे। फाइनली जाके थोड़ी सी कम से कम प्लेन मिट्टी वाली सड़क मिली, पत्थर पे चला चला के हालत ख़राब हो गई थी भाई। 1.5 किलोमीटर रह गया है मैप्रो गार्डन पहुंचने के लिए। लो और आ गया एक भाई दिख गए भाई, होंडा शाइन लेके, और हम अपनी ओला S1 Pro पे कर रहे हैं ऑफ रोडिंग। खाने का काम नहीं है भाई लाइक करो फटाफट वीडियो को। नहीं इस जंगल के बीच में मुझे एक महाबलेश्वर बायोडाइवर्सिटी पार्क दिखा, जिसके अंदर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स है, ये है, और इस साइड मुझे हर्बल गार्डन दिखा। है कोई भी नहीं यहाँ पे, एंड आई डोंट नो अंदर कोई होगा भी या नहीं होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हम पहुँच गए मेन रोड पे, अब इसी मेन रोड पे हम चलते जाएंगे टूवर्ड्स राइट राइट साइड इस साइड, और पहुँच जाएंगे मैप्रो गार्डन। वाओ मैन ये सही रोड मिल गया अपने को, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश पड़ रही है हल्की फुल्की 2-4 बूंदे, बट कोई नहीं हम पहुँचेंगे मैप्रो गार्डन, कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, आधा घंटा एक घंटा, और फिर पहुँच जाएंगे अपने स्टे पर, और फिर मैं आपको वहाँ से आगे का प्लान क्या है वो अपडेट करूँगा। भाई अपनी जो ओला S1 Pro है ना ये ऑफ रोडिंग भी कर लेती है, सिटी में तो है ही एकदम ज़बरदस्त, उसके अलावा भाई हार्डली कोई काम होगा जो नहीं कर पाती, तो एकदम जंबो जेट है अपनी ओला S1 Pro। अब चलते हैं आगे मैप्रो गार्डन के पार्किंग में, ये रहा मैप्रो गार्डन। ओ उधर फन टाउन भी है जहाँ पे शायद गो कार्टिंग होती है, देखते हैं बाद में करते हैं गो कार्टिंग, पहले चलते हैं मैप्रो गार्डन के अंदर। मैजिक शो लिखा है और कोई है ही नहीं दिखाने के लिए मैजिक शो, वाह नाइस मैजिक। अभी बजे दोपहर के 3:30 और काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो सोचा क्यों ना मैप्रो गार्डन के रेस्टोरेंट में खा लें, काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे, लेकिन ठीक है भूख लगी थी तो अब यहीं खा लेते हैं। मैंने ऑर्डर किया है फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विथ क्रीम और फ्रेंच फ्राइज, फिर हम निकलेंगे अपने स्टे की तरफ सॉसल प्लस पंचगिनी, और आगे का क्या प्लान होता है मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। सो चलो इट्स टाइम टू से
गुड बाय टू मैप्रो गार्डन नाउ। चलो चलते हैं अभी मैप्रो गार्डन से। आज की जो सारी चीज़ें मैंने मार्क करी थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मैप्रो गार्डन हो गया, भूतेश्वर हो गया, बिलार हो गया, पारसी पॉइंट हो गया, पैनरोमा पॉइंट जो है वो सनसेट के टाइम देखेंगे। बादल है बहुत ज़्यादा तो लग तो नहीं रहा सनसेट होगा, बट जस्ट इन केस शाम 5:30-6 तक अगर बादल हटते हैं तो सनसेट देख लेंगे हम। तो चलो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू आर हॉस्टल और फिर देखेंगे अगर पैनरोमा पॉइंट पे सनसेट के लिए जा पाते हैं। नहीं, सनसेट तो वैसे लग नहीं रहा कि आज होगा क्योंकि बहुत सारे बादल हैं, लेकिन अगर बादल हटे और सन दिखा तो हम भाई पहुंच जाएंगे पैनरोमा पॉइंट टू एंजॉय द सनसेट। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, मज़ा आने वाला है गाइज। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और एडवेंचरस वीडियो बनाते रहता हूँ।